इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा राजस्थान एग्जाम 2022 में पूछे गए राजस्थान जीके के 1000 प्लस प्रश्नों के संग्रह के पार्ट फिफ्थ की बात करूंगा। इस वीडियो में 1 से लेकर 4 तक पार्ट ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डेली आपको ये सीरीज कंटिन्यू देखने को मिलेगी 7 PM पर हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसलिए अब तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो, क्योंकि राजस्थान एग्जाम 2022 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे राजस्थान जीके के, वो सभी क्वेश्चन मैं आपको इस सीरीज में करवा रहा हूँ। तो आज आपका है पार्ट 5, और पार्ट 5 में आपके क्वेश्चन नंबर स्टार्ट हो रहे हैं 201 नंबर से। 1 से लेकर 200 के तक क्वेश्चन आपके ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो 201 नंबर का क्वेश्चन है, चूरू में धर्म स्तूप को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, चूरू में धर्म स्तूप को लाल घंटाघर के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लाल घंटाघर धर्म स्तूप कहाँ स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चूरू में। यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर या आंसर का क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाकल, मैसवा और हथमती किस नदी की सहायक नदी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी आपके साबरमती नदी की सहायक नदियां हैं, वाकल, मैसवा और हथमती। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बड़ी तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में बड़ी तीज का त्यौहार भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम है डॉक्टर कर्णीसिंह लिफ्ट नहर। तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कर्णीसिंह लिफ्ट नहर का दूसरा नाम, तो आपको पता होना चाहिए कोलायत लिफ्ट नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि जून से लेकर सितंबर के मध्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान करौली राज्य ने किस राज्य की सहायता हेतु अपनी सेना भेजी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1857 के विद्रोह के दौरान करौली राज्य ने कोटा राज्य की सहायता हेतु अपनी सेना भेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणमल छंद की रचना किसने की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, रणमल छंद की रचना श्रीधर ने की है। किसने किया? श्रीधर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का पहला भालू अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान का पहला भालू अभयारण्य सुंदा माता जालोर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जालोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट 2020-21 के आधार पर राजस्थान का कुल वन क्षेत्र कितना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट 2020-21 के आधार पर राजस्थान का कुल वन क्षेत्र 32,737 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल उपलब्धता के आधार पर राजस्थान के दो उच्चतम दो नदियों के बेसिन हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जल उपलब्धता के आधार पर राजस्थान के दो उच्चतम दो नदियों के बेसिन हैं, चंबल और बनास। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में मैं आपको फिफ्थ पार्ट की बात कर रहा हूँ। कल 7 PM पर आपको 6 पार्ट और इसी तरह डेली आपको 7 PM पर अलग अलग सीरीज देखने को मिलेगी, जिसमें आपके 1000 प्लस राजस्थान जीके के क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है वागड़ी। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि वागड़ी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो आपको पता होना चाहिए डूंगरपुर और बांसवाड़ा यानी कि दक्षिणी क्षेत्र में बोली जाती है वागड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बेरिलियम के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में बेरिलियम के प्रमुख उत्पादक जिले हैं जयपुर एंड उदयपुर, जयपुर और उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कतरियासर प्रमुख गद्दी हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कतरियासर आपके जसनाथ संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दद्दीमती माता का मेला किस जिले में आयोजित होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, दद्दीमती माता का मेला नागौर जिले में आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की 20वीं पशु गणना के अनुसार सबसे अधिक पशुधन किस जिले में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान की 20वीं पशु गणना के अनुसार सबसे अधिक पशुधन आपके बाड़मेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान का एकीकरण टोटल आपके 7 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान राज्य में पर्यावरण नीति प्रथम बार किस वर्ष घोषित की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान राज्य में पर्यावरण नीति प्रथम बार वर्ष 2010 में घोषित की गई थी। कब की गई थी? वर्ष 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, काका जी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, काका जी की बावड़ी राजस्थान में दौसा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दौसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सात अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सात अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति आपके कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथूराम पोदार की हवेली राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, नाथूराम पोदार की हवेली राजस्थान में झुंझुनू में स्थित हैं। और झुंझुनू में पूछे कहाँ पर? तो झुंझुनू में आपके बिसाऊ में स्थित हैं। अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही परियोजना किस बांध से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही परियोजना आपके जवाई बांध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में वन का क्षेत्रफल सबसे अधिक किस जिले में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में वन का क्षेत्रफल सबसे अधिक आपके उदयपुर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी संत मीठे शाह की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सूफी संत मीठे शाह की दरगाह आपके खागरौन दुर्ग में स्थित है। किस दुर्ग में? खागरौन दुर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में अंग्रेज और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1857 की क्रांति में अंग्रेज और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को ठाकुर कुशाल सिंह ने पराजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर दक्षिण गलियारा राजस्थान के किस जिले से गुजरता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर दक्षिण गलियारा आपके राजस्थान के धौलपुर जिले से गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलू गांव किस लोक देवता से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोलू गांव आपके बाबूजी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दत्ताणी के युद्ध में सिरोही का शासक कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, दत्ताणी के युद्ध में सिरोही का शासक महाराव सुरताण था। कौन था? महाराव सुरताण। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान को कितने कृषि जलवायु में बांटा गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान को 10 कृषि जलवायु में बांटा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में हाइड्रोलॉजी और वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में हाइड्रोलॉजी और वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट आपके कोटा शहर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कोटा शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोमती सागर पशु मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, गोमती सागर पशु मेले का आयोजन आपके झालरापटन में किया जाता है। और ये झालरापटन कहाँ स्थित है? तो ये आपके झालावाड़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? झालावाड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन जिलों का क्षेत्र फोमट कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, डूंगरपुर सिरोही और उदयपुर जिलों के क्षेत्र को फोमट कहा जाता है। तो ऐसे भी बन सकता है कि निम्नलिखित में से डूंगरपुर सिरोही और उदयपुर जिलों के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, और ऑप्शन में आपको फोमट देखने को मिलेगा, तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहते हैं? फोमट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागपाड़ कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, नागपाड़ आपके अजमेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में गोपीचंद गुफा कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में गोपीचंद गुफा आपके माउंट आबू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 मार्च 1949 को वृद्ध राजस्थान का उद्घाटन किसने किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 30 मार्च 1949 को वृद्ध राजस्थान का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। ये सभी क्वेश्चन आपके राजस्थान 2022 में अलग अलग भर्तियों में पूछे गए क्वेश्चन हैं, और आज आपके पार्ट 5 थे। इसी तरह डेली आपको 7 PM पर सीरीज देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक चित्रांगन मौर्य थे। कौन थे? चित्रांगन मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 में राजस्थान में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वर्ष 2011 में राजस्थान में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 30 थी। कितनी थी? 30 थी। किसके अकॉर्डिंग? वर्ष 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2022 के अनुसार राजस्थान का कौन सा जिला फेल्सपार उत्पादन में अग्रणी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जुलाई 2022 के अनुसार राजस्थान का फेल्सपार उत्पादन में अग्रणी जिला है अजमेर। कौन सा जिला है? अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मंजीरा, तानपुरा, चौथरा वाद्य यंत्रों का प्रयोग किस यंत्र में किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मंजीरा, तानपुरा और चौथरा वाद्य यंत्रों का प्रयोग तेरा ताली नृत्य में किया जाता है। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि तेरा ताली नृत्य में निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, और एग्जाम में आपको मंजीरा, तानपुरा और चौतारा में से कोई भी एक देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ का ताजमहल किसे कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़ का ताजमहल कहते हैं जसवंत थड़ा, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जसवंत थड़ा राजस्थान के किस जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डंग गंगधार उच्च भूमि क्षेत्र राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डंग गंगधार उच्च भूमि क्षेत्र आपके राजस्थान के दक्षिण हाड़ौती क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में चने का उत्पादन सबसे अधिक किस जिले में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चने के उत्पादन, च से चना, च से चूरू, याद रख लो, तो राजस्थान में चने का उत्पादन सबसे अधिक चूरू जिले में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 1817 के समय अंग्रेजों के साथ संधि के समय कोटा के महाराव कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर 1817 के समय अंग्रेजों के साथ संधि के समय कोटा के महाराव थे उमेद सिंह प्रथम। कौन थे? उमेद सिंह प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल किस जिले में स्थापित की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल आपके ब्यावर में स्थापित की गई है, और ब्यावर कहाँ स्थित है? आपके अजमेर जिले में स्थित है। तो जिला पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में महिलाओं द्वारा कुएं से पानी लेने जाते समय कौन सा गीत गाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में इंडोनी गीत का आशय है कि महिलाओं द्वारा कुएं से पानी लेने जाते समय यह गीत गाया जाता है, उस गीत को कहते हैं इंडोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ में दामणी क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़ में दामणी ओढ़नी का एक प्रकार है जिसे मारवाड़ में दामणी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास कौन सी संस्था करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और विनियोजन निगम लिमिटेड द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व कहाँ बनाया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रामगढ़ विस्तारी बूंदी में राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर कितना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर 52.1% है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, बामणी किस नदी की सहायक नदी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बामणी आपके चंबल नदी की सहायक नदी है। तो ये थे आपके 2800 क्वेश्चन, आज पार्ट 5 था। 1 से 4 तक पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कल पार्ट 6 की चर्चा करूँगा। डेली आपको ये सीरीज 7 PM पर हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर ज्वाइन करें।